1897 में भारत के पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक ब्रिटिश हुकूमत अपने पैर जमा चुकी थी। भारत की एक सरहद अफगानिस्तान से जुड़ी थी, जहां पर अमेरिकी सल्तनत थी, जिसने ब्रितानी हुकूमत से समझौता कर लिया था। लेकिन अफगानिस्तान की उस सरहद पर कई कबीले ऐसे भी थे जो ना उस समझौते से राजी थे और ना ही उन पर अमीर का जोर चलता था। ये कबीले सरहद पार से आकर भारत की धरती पर अक्सर हमले करते थे। उन्हें रोकने के लिए समना घाटी, फोर्ट गुलिस्तान और फोर्ट लाखाड़ पर 36वीं सिख रेजिमेंट के 300 सिपाही तैनात किए गए थे। लेकिन कुछ कबीले एक सरदार के नेतृत्व में जुड़कर अपने हौसले और इरादे बुलंद कर रहे थे। एक विशाल हमले का खतरा सरहद पर मंडरा रहा था और इस बढ़ते खतरे का ब्रितानी हुकूमत को अंदाजा भी नहीं था। देखा सुल्तान, अगर मेरे खून का एक भी कतरा गया तो तू जीता। दम देखा सुल्तान, दम देखा। सुन मारते सुल्तान, दुआ रख जाए सुन दे मार। हिम्मत पकड़ सुल्तान, हिम्मत पकड़। तुम्हारे को सीखने के लिए भी बहुत कुछ है सुल्तान, बहुत कुछ है। माफ कीजिए भाईजान, पर आप ही से सीखा है जंग के मैदान में रहम नाम की कोई गुंजाइश नहीं। जिस दुश्मन का ध्यान बढ़ जाए सबसे पहले वार उसी पे करना। भाई और दुश्मन में फर्क होता है, तो भाई है गुलबादशाह। मनसूबा नाकामयाब रहा। वक्त आ गया है उन फौजी सरदारों को जवाब देने का। वक्त आ गया है अपनी ताकत बढ़ाने का। Colonel Houghton is here to brief us. हमसे कुछ कहना चाहते हैं। छत्तीस सिख रेजिमेंट 160 बंदे आपके सामने है साहिब, आगे पोजीशन पर। Thank you.
हमें खबर मिली थी कि सरहद पर हलचल है, कुछ अफगान हमले की फिरक में है और ये खबर सच निकले। सुबह हमारी यूनिट के मेजर डेबू और 3 फौजियों पर हमला हुआ। हमले करने वाले लोकते और एक्साइज कुल बच्चा। जहाने की वजह पता है? हिंदुस्तानियों के खिलाफ पता है? आज का हमला आखिरी हमला नहीं था। मुझे यकीन है कुल बच्चा फिर तैयारी करेगा और बड़ी तैयारी। मैं सर, सर अफगानिस्तान के अमीर के साथ हमारी ट्रीटी है, जिसका मतलब है कि सामना घाटी हिंदुस्तान का हिस्सा है। आमिर का फैसला मेरा फैसला नहीं है मोहम्मद अल्लाह, हमारा फैसला नहीं। एक लकीर खींच देने से ये जमीन उनकी नहीं हो जाती। दमनकाती ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी यानी हिंदुस्तान का इलाका। यहाँ मौजूद है ये दो किले, फोर्ट लॉकहार्ट जहाँ कर रहे और दूसरा फोर्ट गुलिस्तान। इन दोनों किलों के बीच 3 किलोमीटर की दूरी है और हमें इन्हीं 3 किलोमीटर की रक्षा करनी है। लेकिन डर कैसा साहब, हम उन्हें आराम से हरा देंगे। गुलबादशाह के पास अगर 300 तो दोनों किलो को मिलाकर हमारे पास 500। वो 300 नहीं है हीरा सिंह, मैं अपनी ताकत तो बढ़ाने आया हूँ। अगर तुम्हारे और मेरे खेमे एक हो जाए तो 300 से 1000 हो जाएंगे। वो 5000 भी हो सकते हैं और 10000 भी, पर हम शायद 500 ही रहेंगे। हामी भरो मेहमद अल्लाह। मैं हामी नहीं भरूंगा गुलबादशाह, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। यहाँ आकर एक होने का सबक तो दे दिया गुलबादशाह, पर अपने इस भाई को सबक नहीं दे पाए तुम। जब इसने मेरी बहन के साथ धोखा किया तब कहाँ थी तुम्हारी यह तकरीर, यह जज्बा? यकीन का सिक्का जीत से जीता जाता है गुलबादशाह, भीख में नहीं मांगा जाता। ये जंग का मसला है, आपसी रंजिश का नहीं। जो आपसी रंजिशों में ईमानदारी ना दिखाए वह जंग में क्या दिखाएगा सुल्तान अली? महमदुल्लाह अपनी जबान पे लगाम खींच, अपने औकात में रह सुल्तान। मिलेगा यकीन कस्से का महमदुल्ला। जो बच्चों का इस्तेमाल करने से न कतराए वो सरहद पार कर सकते हैं। दुश्मन चाहे हद पार करे या सरहद, चाहे घोड़ों पर आए या हाथियों पर,
क्रांति का नाम है सामना, और यहाँ पे खड़ा हर एक फौजी उसका सामना करने के लिए तैयार है। मिट्टी साथी, मिट्टी है साहेब, साथी जमीन है, हिंदुस्तान की थी, हमेशा हिंदुस्तान की रहेगी। सरहद की लकीरें क्यों ना मिट जाए, हम उन लकीरों को अपने खून से सींचेंगे। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा था, सवा लाख से एक लड़ावा, तेरा गोविंद सिंह नाम कहावा, दुश्मन चाहे 2,000 हो या 10,000, छत्री सिंह रेजिमेंट का हर एक फौजी उसका मुंह तो जवाब देने के लिए तैयार है। बुरा ना माने तो एक बात बोलूं, ऑफ कोर्स चांस सिंह साहब, टेलीग्राफ लाइन की रक्षा करके और सरहद में गश्त भेजकर हमसे वर्तमान की सोच रहे हैं, जबकि हमारा दुश्मन भविष्य की तैयारी कर रहा है। तो हम भी अपनी भविष्य की तैयारी करेंगे, बस किसी तरह अपनी फौज बढ़ानी होगी। बट सर, रिइंफोर्समेंट्स क्लियर, हेडक्वार्टर्स ने मना कर दिया है, व्हाट कैन वी डू? साहिब, मेरी बीवी मां बनने वाली है, छुट्टी के लिए दरखास्त डाली थी पर छुट्टी मिली नहीं। साहिब, मैं छुट्टी चाहता हूं। मैं नहीं देना चाहता साहिब, मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। I said, छुट्टी नहीं मिलेगी। क्यों छुट्टी नहीं मिलेगी? 6 महीने पहले बताया ना। I don't know, but I think, come on, don't be shy, old chap. Nothing to worry about. Closer. Closer. Come on. A bit closer. A bit more closer. That's perfect. So tum apne senior officer ke hukum mana kar rahe ho? Wo baat nahi sahab. Mujhe jaane do, main 2 hafton mein wapas aa jaunga. Mana kar diya na. Aap afsar log bhi to jaate ho chuti par. पिछले महीने आप ही तो गए थे ना, अगर आपको छुट्टी मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं? क्या हम इंसान नहीं है? स्टॉप। उल्टा सिंह, या तो भी मुझसे माफी मांग लो या फिर सजा लेने के लिए तैयार हो जाओ। 3 तक गिनूंगा, माफी मांग लो, माफी मांगो। Apologize, Bruta! Apologize! Kamala Naman, maafi mangla. Ek! 3! Scoundrels! Both of you! Let's go, Reina!
उठो। राम सिंह इतना भी कमजोर नहीं है बुट्टा सिंह जो गुलाम बनकर इनके आगे झुक जाए। फौज में इसलिए भर्ती नहीं हुआ कि ऑर्डर पहनूं, उनके सम्मान कमाने के लिए हुआ हूं। चल तो क्या होना है पुत्र, चल चल के कट्ठे रोटी खाइए। इशर पुत्र आ जा, बह के कट्ठे रोटी खाने। इशर पुत्र आ जा, बह के कट्ठे रोटी खाने। Thank you.
रख ली है। मेरे से गया बापू, तेरा पुत्र जंग के लिए सिपाही चाहिए। रोते भिलकते बच्चे नहीं, ये बात अपने दिल और जहन में डाल लो। और याद में सिपाही का खून जाता है। हां सुने, टोटली 17 इंजर्ड सोल्जर्स, बट थैंकफुली सभी खतरे से बाहर है। हर एक गोली के लिए एक दुश्मन, बट अगली बार अगर जंग होगी तो असला काफी नहीं होगा। यस चंद सिंह, गुरुद्वारे में अरदास की थी साहब, ये प्रसाद। अरदास इज प्रेयर,
सब। थैंक यू चांसलर सब। इट्स वेरी टेस्टी। तो और मिलेगा? बिल्कुल सर। थैंक यू सब। आप सब गुलिस्तान के फौजियों के लिए कढ़ाई पर प्रसाद अब करदली के पास रखवा दिया। शुक्रिया। और हाँ चंद सिंह, अगली बार जब अरदास करो तो ये मांगना की कोई और अक्साई वापस जिंदा ना लौटे। नहीं लौटेंगे साहब। इस बार 1,000 आए थे, अगली बार 2,000 आएंगे, फिर भी हारेंगे। जंग जीतने के लिए असला नहीं लगता साहब, जज्बा लगता है। तुम ठीक कह रहे हो चंद सिंह। अगली बार और अक्साई 200 की नहीं 2,000 की तैयारी करेंगे। और अगर लॉकहार्ट पर अटैक हुआ तो गुलिस्तान को मदद करनी होगी, और अगर गुलिस्तान पर हुआ तो लॉकहार्ट को। हमें बस ऐसी तरकीब सोचनी होगी जिसे दो किले एक दूसरे को मैसेज पहुंचा सके, एक ऐसी तरकीब जिसे औरकज़ाई टेलीग्राफ लाइन की तरह काट न सके और हम दुश्मन पर नजर रख सके। इट्स एब्सोल्युटली इंपेरेटिव दैट वी डू दिस सर, वी हैव अ लॉट एट स्टेक। यू आर एब्सोल्युटली राइट मेजर। कारतूस से खेलने की उम्र नहीं है तेरी, चल नीचे आ। कारतूस के बिना बंदूक किस काम की, इस तुस्ती ही रख लो। पहला फिर दे दे मेरे काम, तुस्ती रख लो। इसी आप रोटी नहीं खा रहे? तू खा भी ले, मैं बाज खाना है। इसकी चाची ने सब कुछ सिखाया लेकिन डरना नहीं सिखाया। इतना अच्छा जाएगा, सब पढ़ कर ले आएगा तो सुट भी देगा। और काट लेगा तेरे को, काट लेगा। ये भी तू नहीं सिखाया हो ना इसको? शुरू करो पापा जी। और सब ठीक तो चल रहा ना? तेरी पोस्टिंग ठीक है? पोस्टिंग ठीक नहीं है पापा जी। क्यों? अफगानियों का एक कबीला है और अक्साई नाम से, वो सामना घाटी पर हमला कर उस पर कब्जा करना चाहते हैं। आप समझो बाबा जी, ये रोटी हमारी जमीन है। इस जमीन की सरहद पर ना और सही खेमे है। साड़ी जमीन पे वो किले है, किला लुकाट ते किला गुलिस्तान। हमारी 36 रेजिमेंट इन दोनों किलों का ध्यान रखती है और उपजाई दोनों किलों पर कब्जा कर ये जमीन को हड़पना चाहते हैं। लुकाट की मदद सिर्फ गुलिस्ता कर सकता है और गुलिस्ता की मदद सिर्फ लुकाट कर सकता है। ये दोनों की मदद करेगा। तू आजा आजा, रोटी खान दे। तू ही खा पुत्र। जी बाबा जी। जी मैं मिंटू, वो गुरुद्वारे वाले भाई जी का भतीजा। आ जाओ फिर रोटी खा ले। नहीं जी, तुसी खा लो जी, मैं नहीं खा। आपको याद है जी, वो मैं खेतों से मूलिया चुरा के आपको देता था, और आपके बाग में भी वो बार मैंने आंबिया चुराई थी। असल में लस्सी भी पी रही थी कितनी बार। अपनी तारीफ ही करता रहेगा या आगे भी कुछ बोलेगा भी रे? हाँ जी हाँ जी, मुझे भाई जी ने बुलाया आपको गुरुद्वारे में। एक पहलवान आया हुआ बरनाले से जी, कुछ गंभीर मसला लगता है जी। बरनाले में तो बूटा रहता, ये पहलवान कौन है? आओ बाबा जी। सासिकाल जी। सासिकाल। ओए बूटा की होया? पुत्र है भाई। ओए इत्थे की होया? ओ इत्थे ओए खेतों वाले मसले। बैठ जा। सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल ईश्वर सिंह, की हाल? रब की मेहर जी, थोड़ा आशीर्वाद ने सब ठीक है। ईश्वर सिंह
ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਪੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੱਥਬਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁਝੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕੋ ਇਤਨਾ ਮਾਰਤਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣ ਪਾਤੇ। ਪਰ ਜਹਾਂ ਬੈਠਾ ਨਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਕੇ ਸਾਥ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ ਔਰ ਉਸਕੀ ਫਸਲ ਜਲਾਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸਨੇ ਔਰ ਧਮਕਾਇਆ ਅਲੱਗ ਪੁੱਛੋ ਇਸੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਸੇ ਲੋ। ਸੋਨਾ ਜੀ ਸੇ ਮਾਰਾ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹ। ਰਾਹ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਚੌੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਤ ਲਗਾ ਕੇ। ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਆਰਾਮ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਆਇਆ। ਮਾਫ਼ੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਜੀ ਬੂਟਾ ਕਿਉਂ ਸੇ, ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਭਾਈ ਸੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੂਟਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਨੇ ਸੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਆਪਕੇ ਭਾਈ ਸੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਨੇ ਕੇ ਲਿਏ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹਮਸੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਮਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਆਪਕੇ ਭਾਈ ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਸੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਔਰਤ ਸੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੇਤਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਥਾ। ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਬੜਾ ਕੌਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਲੈਤੇ ਹੀ ਨਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਤੇ ਜੀ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਲੋਕ ਮਾਫ਼ੀ। ਈਸ਼ਵਰ ਪੁੱਤਰ ਜਾਤ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੇਟਾ ਚੱਲ ਚੱਲ ਗਏ ਸਰ। ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਹਰਕਤ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੜੇਗੀ ਸਰਦਾਰ, ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ। ਮੇਜਰ ਡੀਬ ਕੋ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਟ ਔਰ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਕੇ ਬੀਚ ਇੱਕ ਬੰਕਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਂਗੇ ਤਾਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਮ ਸੂਰਜ ਡੂਬਣ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਜਾਗੋ 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 ਜਾਗੋ, ਹੋਰ ਹੈ ਖੜੀ ਆਪਣੇ ਚਮਨ ਤੇ, ਆਰੀ ਹੈ ਵਤਨ ਤੇ ਰਾਤ ਕੀ ਘੜੀ। ਜਾਗੋ 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 ਜਾਗੋ, ਰਾਤ ਹੈ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਚਮਨ ਕੀ, ਰਾਤ ਹੈ ਵਤਨ ਕੀ ਬੇਸਰਾ ਘੜੀ। ਖੋਲ ਦੋ ਕਿਵਾੜੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਮੇ ਯੇ ਲੋ ਤਲਵਾਰੇ, ਦੁਸ਼ਮਨੋ ਕੀ ਢਾਲ ਤੋੜੇ ਸਭ ਗਿਰੇਂਗੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ। ਸ਼ਾਤੀ ਤਾਂ ਪਗੜੀ ਬਾਨ ਸੀਨੇ ਮੇ ਕਿਆ ਹੈ ਤੂਫਾਨ, ਘਰ ਸੇ ਸਿਰ ਗਿਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਪਕੜਨੇ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਫੌਜ ਐ ਬੰਕਰ ਬਣਾ ਰਹੇ।
इश्क इंसान को सब कुछ सिखा देता है। हमारे गांव की नहीं थी वो, उसका खेत दरिया के उस पार था और मेरा इस पार। मेले में दर्शन हो जाते थे उसके, हिरनी जैसी चाल, नागिन जैसी चोटी। अपने दिल की आवाज उस तक पहुंचानी थी, सीख लिया मैंने निशाना बांधकर अमरूद उस तक पहुंचाना, और अमरूद के साथ एक चिट्ठी भी। वाह बोला सिंह। और अब ना वो भाग रहे और ना वो कुड़ी, और हाथ में रहेगी ये बंदूक कमीनी। ओ पोला सिंह। ये हो गया बोले, कुछ हलचल हो रही है। वो कबीले वाले हो रहे हैं, तेरी कहानी बड़ी बढ़िया, आगे सुना। और नहीं लाल सिंह जी, ये दूरबीन के साथ देख रहे हैं। मुझे लग रहा है ये किले की जासूसी कर रहे हैं। तुसी रुको, मैं देखता हूं इनको। वो की करन लग गया भोलिया। कोई नहीं, देख लेते हैं ऐसे भी। चलो देख लेते। जिंदा है। क्या करें, गाय को सारा घड़ी भेज देते हैं, बाकी ईश्वर भाई तय करेंगे क्या करना है। साहिब सिंह जी, बाजी आप इसे ईश्वर पाजी के पास ले जाओ। जी बच्ची। और हाँ, पानी के छींटे मारते रहना, देखना कहीं मर ना जाए। जी बच्ची। अगर आप इस तरह बेचैन रहेंगे तो क्या करूं साहिब। मेरी आंखें बेचैन है हिंदुस्तानी और अंग्रेजी लाशों को देखने के लिए। हाँ, मैंने जिंदगी बख्शी है, लेकिन इशारा भी किया कि वो इस जंग में हमारा साथ नहीं देगा, पर वो चाहता है जीत हमारी हो। इंशाल्लाह। लेकिन हमें आपकी फिक्र होती है, जख्मों पे मरहम लगाने का वक्त भी नहीं देते आप। ये जख्म जरूरी है दुश्मन की याद को जिंदा रखने के लिए, लेकिन खुद का ख्याल रखना भी तो जरूरी होता है। तुम गले लगा लो, वही मरहम है। सर कलम कर देंगे हम इसका।
अगर इस गुस्ताखी की वजह कोई खुशखबरी है तो ठीक है, वरना गुस्ताखी माफ हो सरदार, लेकिन खबर इतनी जरूरी थी कि आपकी इजाजत लेना भूल गया। दरअसल हम लोग सारा गाड़ी पर नजर रख रहे थे और शमशेर घायल हो गया और पकड़ा गया, लेकिन मैं बच गया। जनाब सारा गाड़ी पर सैकड़ों हिंदुस्तानी सिपाही है। जो खबर मुझको मिली है उसके हिसाब से तो 20 से 25 सिपाही। तुमको इतने सारे कैसे देख गए? गिनने का वक्त नहीं था सरदार, लेकिन इतना तो तय है कि वहां पर 1000 से ऊपर सिपाही है। सारा गढ़ी के आसपास उन्होंने एक चाल सा बन रखा है, इसलिए तो हमारा दोस्त उनका शिकार बन गया। मन तो करता है तुम्हारा सर कलम कर दूं, लेकिन जाओ तुम्हें बख्श दे, दफा हो जाओ। दुश्मन की ताकत बढ़ती जा रही है शायद, अब इससे पहले वो सारा गिरी को एक मजबूत किले में बदल दें, उन पे हमला बोलना पड़ेगा। उनके कदमों को रोकने का वक्त आ गया। ऐलान है जिहाद का वक्त आ गया। हिंदुस्तानियों की बीवियां शमशीर से अपनी उंगली काट कर अपने शौहर को तिलक करती है, ऐसा सुना है हमने। इसे हमने अपने खून से रंग दिया है, आपको उस खून की कसम। इसे म्यान में तभी रखिएगा जब ये उन सारे हिंदुस्तानियों के खून से नहा जाए। आप ही की होगी अगर हमारी फतेह ना भी सही है, तुम्हारी आखिरी मुलाकात हमारी खफन वाली लाश से होगी। कुछ नहीं होगा आपको, आप लौटेंगे जरूर, और वो भी उन सभी हिंदुस्तानियों के सिर लेकर। और तब तक ये शायद आपका इंतजार करेगी। अल्लाह आपको अपने अमान में रखे।
सब तैयार? जी, हाँ जी, दुश्मन की फौज मुझे हजार में लग रही है। ये संदेश तो जल्दी शेरपा जी को देना पड़ेगा। पहला झंडा शर्मा जी, पहला झंडा दिख रहा है। दो झंडे मतलब 2000 बंदे। दो झंडे? मतलब 10 10 12 हजार बंदा है हमारे साथ। तब जाने कि इन्होंने पहले किस पोस्ट पे हमला करना है। ये तो अलग अलग तरफ जा रहे हैं। Está
2000 बंदे इधर आ रहे। Letter gives you the authority to redirect the troops from Lahore to Saragari. If you hurry, you may catch them. Please keep watching on Lahore. Reinforcements en route, reaching. Thank you, sir. Durmukh. हाँ जी बाजी। वही दोनों पोस्टों पर संदेश भेजने। मैं इधर जाके दो दस्ते आ रहे हैं। हमला जल्दी होने वाला है। पीछे पीछे हो गया भाजी। चंगा hold on for 6 hours. Tell you sure to abandon it will. Ajay Gulista se sandesh aa raha hai. साहब का संदेश है कि पेशावर से फौजियों का दस्ता आ रहा है पर पहुंचते पहुंचते 6 घंटे लग जाएंगे यहाँ पे। चलो रवड़ी मेरा दस्ता तो आ रहा है पर पाजी 6 घंटे लग जाएंगे उनको आते आते। कोई गल नहीं काके, अब इनको ना 6 घंटे तक यहीं रोकना है। पाजी यहाँ कैसे रोकेंगे, वो तो तीनों तरफ जा रहे हैं। और रोकेंगे, जरूर रोकेंगे। हीरा जी पाजी एक काम कर, जी जनाब। देखो जनाब, एक हिंदुस्तानी सिख फौजी है। ओए तलाशी लो इसको। जी जनाब। जनाब
پشاور سے برتن فوج کا پیغام آئے، 4000 دستے اسلحہ اور بارود لے کر وہاں پہنچ گئے، گلستان ساراگیری اور لوکا کی حفاظت کے لیے. شمشیر ٹھیک کہہ رہا تھا، اس نے 1000 سے زیادہ بندے دیکھے ہیں. یہ بندہ اپنا پیغام لے کر وہاں جا رہا ہوگا، مر گیا. دشمن ہم سے 2 قدم آگے لگ رہے ہیں اکبر بادشاہ. پر خدا تو میرا ہمارے ساتھ ہے محمود اللہ، دشمن کا سارا خبر ان کو پہلے مل جاتا ہے. کس طرح مقابلہ کرنا ہے عبد البادشاہ؟ ویسے ہی جیسے پہلے طے کیا تھا. کیا پھر؟ اور پہلے ہم نے طے کیا تھا کہ ہم ایک ہی وقت پر 3 قلعوں پر حملہ کریں گے، لیکن اب حالات بدل گئے. اب مجھے لگتا ہے 3 قلعوں پر پشاور سے فوج آ چکی ہے حفاظت کے لیے. اب ہم ایک ہی وقت پہ صرف ایک ہی قلعے پر حملہ کریں گے. سب سے پہلے سارے لیے، تاکہ گلستان اور لوکیٹ کے بیچ کوئی پیغام نہ بھیج سکے. دشمن کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑے تو فتح ہماری ہوگی انشاءاللہ. اے سونا اوئے، باقی 10 تو پہ پیغام بھیج دو. گلباشا نے واپس بلایا ہے، ہم سارا گڑی کی طرف بڑھیں گے. گلباشا نے واپس بلایا ہے، واپس چلو. جناب گلباشا نے واپس بلایا ہے. واپس بلایا ہے؟ چلو گھوڑوں کو واپس لاؤ. بولا تپارا اے یوں نہ گد تیکیرا، اپنا جگاڑ کم کر گیا. اور جس اورزائی کی لاش کو تو نے ہندوستانی وردی بنا کر بھیجا تھا، لگتا ہے وہ اس گلباچا کے ہاتھ پڑ گئی ہے اور اس نے ہمارا سندیشہ پڑھ لیا ہے. تبھی اس نے اپنا ارادہ بھی بدل لیا. اب اسے ایسا لگ رہا ہوگا کہ ہمارے فوجی دستے بڑھ چکے ہیں اور روک لیا ہم نے اسے لوکاٹ اور گلستان جانے سے. اب یہ اپنے 12000 بندے لے کے ہماری اور آ رہا ہے. بس ایک باری پشاور سے بندے پہنچ جائیں، پھر ہمیں یہ جنگ جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا. آجا اوے آجا گل بادشاہ آجا. Thank you.
Why is the entire army of about 12,000 moving toward Saragami? But why is Gulatek in Saragami first? How on earth will Ishar stop this huge army? Inform Gulistan that the troops will be there as soon as possible. When Hawking ko SOS bheja, Saragari ko madad ki zarurat hai. Wo sirf 21 hai. मेजर साहब का संदेश है साहब, सारागढ़ी को मदद की जरूरत है। Send a message to Ishar Singh. Leave Saragari immediately. जी साहब। छोड़ दो। ईश्वर पाजी, कर्नल साहब का संदेश है, सारागढ़ी पोस्ट छोड़ने को बोल रहे हैं वो। लिख के हमारे पास तरकीब है, जब तक पिशावर से बंदे आते हैं हम इन्हें यहां रोक सकते हैं। हम पे भरोसा रखे, ये भी लिखो। हर बॉस की जिम्मेदारी जरूरी है, ऐसे कम नहीं चलता। और हमें क्या पता दुश्मन ने कब किस पोस्ट पर हमला करना है। हर बॉस की बराबर सुरक्षा होनी चाहिए। लुकाट पे औरतें और बच्चे भी हैं, कुछ भी हो सकता है। पाजी उनका वापस संदेश आया है, वो कह रहे हैं हम जब चाहे पोस्ट छोड़ सकते हैं। और क्या? और पेशावर से लोखाट और गुलिस्ता के लिए संदेश है कि वो लोग अपनी पोस्ट बना कर रखें। तू जवाब भेज, लोखाट को भेज कि अपनी पोस्ट की सुरक्षा करें। ठीक है पाजी। कहता कि पेशावर हेडक्वार्टर से खबर आई है। हाँ जी, पर पाजी, हाँ, इसका मतलब हमारी मदद करने कोई भी नहीं आएगा। ओए काके, ये वक्त ना मदद की राह देखने का नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए गुरमुख, हमने ना इस गुलबादशाह को इसका परचम यहाँ पे नहीं लेना देना। ओए हमें के शेरी बड़े काफी है इसके लिए, है कि नहीं? बिल्कुल पाजी। चल जा, जिस दिशा आए तो मुझे बता देना। हाँ जी। ओ तैयार हो जा सारे फौजी, जल्दी। Thank you.
से किसी फौजी दस्ते को जाते देखा है? नहीं जनाब, हमने किसी को नहीं देखा। लाहौर का रास्ता यही है ना? जी यही है। ठीक है, शुक्रिया। तरकीब काम कर गई, रुक गया कुल बादशाह, पर इस पर भरोसा नहीं करना, कभी भी हमला कर सकता है। सब तैयार रहो। वो हिंदुस्तानी फौजी की जेब से जो पैगाम मिला था वो सही था मेहमद उल्लाह। हमने सोचा था कि हमको सारे गिरी पर कब्जा करने के लिए एक घंटा लगेगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दोगुना वक्त लगेगा। और पहले हम सारे गिरी पर अपना परचम लहराएंगे, उसके बाद बाकी के दो खेलों की तरफ कुछ करेंगे। Thank you.
सब लोग अपनी पोजीशन पर। पोजीशन बदलते रहो। उड़ा चाहिए को ऐसा लगना चाहिए कि बंदूक के चला रहे हैं। तैयार एक हमारे रेजिमेंट के 21 सिपाहियों की फिक्र होने लगी है। कुल बादशाह के हमला करने के तौर तरीके से हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो छुप कर बार करने में माहिर है और अब की बार करीब आने तक हमें आहत भी होने नहीं देगा। आसमान में 12 लोगों का घेरा है, इसका ये मतलब है कि 3 पोस्ट से मैसेजेस हम तक नहीं पहुंचेंगे। सारा गरी में क्या चल रहा है इसकी खबर भी हम तक नहीं आएगी। पेशावर से हमारी फौज निकल चुकी है लेकिन ये कहां पहुंची है हम नहीं जानते, और अगर इस दौरान उन पर हमला भी हुआ तो ये खबर हम तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए हमने तय किया है कि हमारे सिपाहियों की पेट्रोलिंग यूनिट दुश्मन के हर मूवमेंट पर नजर रखेगी और उनकी खबर हम तक पहुंचाती रहेगी। हम तैयार हैं साहब। नहीं, तुम दोनों की यहां जरूरत है। दुश्मन हम पर कभी भी अचानक हमला कर सकता है। लाल सिंह जी साहब, उत्तम सिंह जी साहब, अमर सिंह जी साहब और निहाल सिंह जी साहब। तुम सब जाओगे जी साहब। साहब तुम्हें कुछ करने का मौका ही नहीं दे रहे। सही कह रहा पहलवान, एक तो पहले मुझे सुंदर से अलग कर दिया और अब किले से भी बाहर नहीं जाने दे रहे। What's happening in Saragadi? No communication possible with any other posts. There's no movement of the enemy either. Kul has been quiet for some time. Kulip Singh! Yes, sir. Samne gate mein aaj se hamari do patrolling units tainat rahenge. Aur dushman ki har movement ki khabar hum tak pahunchati rahengi. Yes, sir. Yaad rahe. Heliographic badlon ki wajah se kam nahi karenge. Yes, sir. सिंह और पुतले खड़े कर दे सारे। गुरमुख कुछ हुआ काके? कुछ नहीं हो रहा पाजी। Yeah!
ये तो हीरा की आवाज है। ओ भाई गुरु नहीं क्यों होया? ओ भाई जिसका डर था हरे बंदे सारे हैं।
जल्दी जितने भी बुद्ध खड़े किए हैं तो भगा निशान है उन पर लगाया जाए सही पहचाना गुलबादशाह एक नकली फौज के डर से हम आगे बढ़ने से कतरा रहे थे दुश्मन की चाल को समझे ही नहीं थे सही पहचाना ऐशर सिंह गुलबादशाह और जय की लाश को सिख के लिबास में भिजा रहा वो बेवकूफ बना है और ये फौजियों को पुतला रास्ते में रस्सी और पंजियों का जाल हौसला है उसमें पर अभी उसको अंदाजा होगा कि हमको उसके हर जाल की खबर है लगता है सब कुछ समझ गया गुलबादशाह कि हमने किस तरीके से उसे हराया था ओए अब उसे किसी भी बजूके का कोई डर नहीं है वो कैसे की तरह आ रहा हमारे पीछे बाजी आपका दिमाग तो बंदूक की गोली से भी चलता है
बूटा नाम सुंदर हीरा जल्दी वो आगे मेरी बात सुनो पहली कितना आगे पीछे वाला दस्ता सौ बंदों का पूरा दस्ता जाना चाहिए नीचे 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 सबसे बाद उसी पे सरदार शहीद हो गए ये हुई ना बात मेरे भतीजे हमारे एक सिपाही की जान हमने कम से कम नहीं तो बहुत ज्यादा दी है बंदा उनका खत्म कर दिया और किसे लगता है मौत का डर इधर किसे लगता है मौत का डर और मौत का डर बंदे को मरने से पहले ही मार देता है कौन है यहां पर वो बुजदिल जो पहले ही मर चुका है हमारे मन में मौत का खौफ हो ना तो रहता खून ना खून नहीं रहता पानी बन जाता है कोई बंदा यहाँ पे जिसकी रगों में पानी बह रहा है कोई नहीं बाजी और चंद ना हथियारों से नहीं जीती जाती न बड़ी बड़ी फौजों से जीती जाती है जंग हिम्मत से जीती जाती है हौसले से जीती जाती है ना हारने वाले जज्बे से जीती जाती है और ये जो बंदा है ना कुल बादशाह इसके इरादे नापाक है तुम्हारी जमीन पर पांव रखकर रोकना चाहता है ये उसे और तुम बस बच्चों और औरतों का कत्ल करेंगे कोई तो पहुंचते हमारे पास लगाट ते गुलिस्ता टीवी सामने टेलीकास्ट में नेम सब और हमको कैसे मारना है मुझे अपने बच्चों की तरह हमें उनकी रक्षा ऐसे करनी है चाहे हम अपने परिवार की करते करेंगे कि नहीं उन्हें तक दुश्मन का पहुंचने से पहले हमारा सामना करना पड़ेगा
भाई से वहां से कोई जाकर ये तो साहस है ना मारी नहीं है सच्चे बादशाह की है ये जिंदगी मारी नहीं है जैसे चली गई ते चली गई कोई मैसेज सारा गड़ी से नहीं इसका मतलब सारा गड़ी का हेलियोग्राफ काम नहीं कर रहा और गुलिस्तान से भी कोई मैसेज हम तक नहीं पहुंच सकते इसका मतलब हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारा फौज का दस्ता कहां पहुंच रहा है डैमेज Have to try and touch base and find out what is happening. Have they been asked to retreat? And if yes, then why are they so firing? Then who is doing the firing? Stop. Ham dusri paltan le ka sara gari jayenge. Balwinder, tum bhi saath chalo. जी साहब सारा गरी को हमारी मदद की जरूरत है हम तैयार हैं साहब कला सिंह तुम हर वक्त यही रहोगे और जब भी कोई खबर आए हमें तुरंत खबर कर देना जी साहब मैं यही मुस्तैद रहूंगा बलविंदर तुम दूसरी दस्ते को इमीजिएटली तैयार करो आज यहाँ पे सारा बंदा सुजरू से नहीं है और दादे से नहीं है और ना ही कोई बंदा लोहा से है आज हम सब सरफरोश है हिंदुस्तानी है बोले सोनिया हिंदुस्तान हमारा है हिंदुस्तान हमारा है हिंदुस्तान हिंदुस्तान हमारा है Thank you.
आज जीवा सिंह तुम्हारे पराठे सेकेगा। सिमर बाबा आप क्यों परेशान, आप चिंता मत करो, फौजी दस्ता आ ही रहा, सब ठीक हो जाएगा। I'm missing Hira Singh. Now I'll never get to see him. Uta. मैं भी अपने भाई को कभी नहीं देख पाऊंगा, काश मैं उसके साथ होता तो मैं उसकी जगह शहीद हो गया होता। वो ही अकेला है, बाकी सब भी मेरे भाई हैं। आज उन सब की याद आ रही है। सारा गाड़ी भाई साहब आधे मील की दूरी पर है, चलो जल्दी। तो दुश्मनों के साथ तो बहुत करना होता। इशर भाजी अपने फौजी रास्ते मत पहुंचने वाले। आई विल सपोर्ट फॉर ईच अदर। हां सुनो सिंह, ये तुम्हारा गुरूर है। जीवा तो ठीक है, ठीक हूँ मैं। ये दोस्तों को बचा नहीं पाया। बाकी है जीवा, सांस से भी कम है। अरे गोले भी थोड़े आपके और थोड़े मेरे। आज आज जीवा जल स्नान नहीं करेगा। ऐशर सिंह सारे के लिए हार गया। अलग जाइयो करा, स्नान जरूर करवा देगा। ये शहादत भी किसी किसी खुश नसीब को नसीब होती है। अभी हम तुम्हारा सर कलम करके अपने मेरी को जाएंगे। अपना फौजी रास्ते मत पहुंचने वाले।
सरफरोश हम ये माटी ही बनेंगे सारे। लो पाजी, संदेश आना शुरू हो गया है। ओ पाजी बताओ मैंने। मैं करूं क्या संदेश भेज रहा है? छह शून्य अभी तक कोई मदद नहीं पहुंची मुझे। मेहर करूं पर मेहर करवाए करो मेरे मालिक। क्या खबर है? कुछ भी नहीं। काले सिंह, कोई भी जवाब क्यों नहीं आ रहा है? पता नहीं मेम साहब, डर लगता है ये सोचकर कि कहीं ऐसा ना हो कि खबर देने वाला ही शहीद रह गया हो। जब से ये जंग छिड़ी है हम सिर्फ शहीदों की गिनती ही कर रहे हैं। सिर्फ कर्मो की एक ऐसा है जो संदेश भेजना जानता है। ऐसा ना हो कि कहीं वो भी। हे वाहिगुरु, मेहर करो सब पर।
मेरे जवानों, नारायण राम दत्तू अब हम छत्तीस सिंह रेजिमेंट के सिर पर छह साल फरोश बचे हैं। अब तक यहाँ पे कम करने वाला सिर्फ मैं था, मलदारी ईश्वर सिंह, लेकिन अब तुम सब अफसर हो। आज ना हुक्म देने वाला कोई है, पिनाई लेने वाला दुश्मन नजारा भी तादाद में हमारे सामने। और जब तक हमारी आखिरी सांस चलेगी तब तक हम इसे अपना परचम याद लाने नहीं देंगे। और गुलबाज का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा।
किसी की अपनी मर्जी हमें बुलाए यारी व्यक्ति surgical delivery. Madam, deep breaths. Deep. I talk to her husband? Can I talk to her no, husband? It's not going to be possible. We don't know where he's reached. We can only send a message to Salgari and we're not getting a response. It's possible that the only man who can send and receive messages is no more. Is it true? हेलियोग्राफ से संदेश आने की उम्मीद नहीं रखती। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूं उनकी मदद करने। ये कहा भाजी मैं हूं यहाँ पे। वाहेगुरु आपके साथ है। मेरे भाई को मार दिया।
तेरे पास आ गया मैं, तेरी गोद में सर रख कर सब सब जाऊंगा। सब ठीक है पाजी, मेरे सराहने में साहब, मुझे भी चलना आपके साथ। शुक्रिया साहब, चला जा। हमको लगा सारा के लिए घर जब कम से कर लेंगे, इतना वक्त बर्बाद कर दिया तुमने हमारा। और बादशाह तुझे इसकी सजा देगा, ऐसी मौत नसीब होगी कि मौत भी कांपेगी।
Se colpa se eres todo de Sara que ni cosicha. Ya Sara que ni tiene de Hindustán. Para ver los zapatos le va a la Escher Seng. De Hindustán. Eresat. Vete me ven de bala. Avatar Escher Seng. ऐशर सिंह, ये दर गया तुम्हारा गुरूर है? हिंदुस्तान को बचा नहीं पाया, हार गया। ऐशर सिंह, सारे के लिए हार गया है। ऐशर सिंह सारा के लिए हार गया। ऐशर सिंह गुलबादशाह से हार गया। हाँ। अभी हम तुम्हारा सर कलम करके अपने बेटी को देंगे।
मौत से नहीं डरता गुल बच्चा। इसको आपको बहुत खौफ है। अगर इस कमरे में आग लगाती हो तो उसका हौसला परस्त हो जाएगा। शेर सिंह कैसे खौफ के मारे छुप के बैठे और मैं तेरे सामने खड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू हार गए शेर सिंह। जब तक मेरी सांस चलेगी ना तब तक ये सलागड़ी हमारी है। अल्लाह अल्लाह ठीक है फिर अपने आखिरी सांस की तैयारी करें। सही Thank you.
जाने का ना, उसकी आंखें मार देंगे। और बैठ जा, ऐसे ना। Let's go inside.